बेबी बाजी ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे अजरा किसी सूरत पर वासव को इस तरह आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। वो जो माँ से यही कहती है, देखो किस तरह वासव ने दुकान से अलग होने का फैसला भी कर लिया और दिन रात मेहनत करके वो तुमसे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तुम ही हो जिसे अपने घर वालों की फिक्र है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि वासव इस तरह अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी ही बड़ी भाभी को बातें सुनाना शुरू कर देगा। देखा नहीं था कल वो मुझसे किस तरह बात कर रहा था। लेकिन इससे तुम्हें क्या, तुम्हें तो फिक्र है तो सिर्फ अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की। मैं तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं, तुम्हारे भले के लिए ही बात करती हूँ लेकिन तुम मुझे ही कोसना शुरू कर देती हो। तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि फरद के बोलचाल ने मुझे सब कुछ समझा दिया है कि वो बहुत जल्द वासव को लेकर इस घर से अलग हो जाएगी। इससे पहले कि वो इस घर से अलग हो, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, कोई ना कोई फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। अजहर तुम क्यों मेरा दिमाग खा रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि वासव इस घर से अलग नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारी बातों में आकर इस घर से अलग होने का फैसला करूंगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अब्बू को सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा है कि मैं चारों भाइयों को इकट्ठे जोड़े रखूंगा और तुम चाहती हो कि मैं अपने अब्बू के सामने जाकर इस घर का अलग हिस्सा मांगू। अजरा मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, कभी तुम्हें वासर से मसला होता है, कभी फरहत से, और कभी तुम इस घर का अलग हिस्सा मांगना शुरू कर देती हो। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।